हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? तो आज मैं अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो मॉर्निंग में मैं पोहा उपमा का एक ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और आज मैं ना एक सोची हूँ जो कि साड़ी वाला चैलेंज करूँगी, जो कि 24 आवर तक मैं पहन के रहूँगी और घर का जितना सारा काम है सब करूँगी सोची हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं पोहा उपमा के लिए बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड आज ऑफिस नहीं गए हैं, तो जाएंगे पर लेट में जाएंगे, तो अभी इसलिए उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो नहीं तो मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, जो भी ओट्स वगैरह होता है हम लोग खा लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हस्बैंड है बोल के मैं बना रही हूँ। तो उसमें मैं पीनट डाली हूँ, करी पत्ता, ऐसे ही आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे। मैं भी ऐसे ही सिंपल सा थोड़ा सा आलू में डाली हूँ छोटा छोटा काट के, और कॉर्न जैसे कि मक्के होते हैं ना जो कॉर्न, वो बॉयल वाला, वो उसको मैं डाली हूँ। और वो फ्राई होने के बाद उसके ऊपर पोहा डाली, और पोहा में थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लूँगी और कोरिएंडर जो कि धनिया पत्ता है वो धनिया पत्ता डाल दूँगी। तो ये बन के रेडी हो गया है और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया। तो ब्रेकफास्ट हो गया, अभी मैं ना वो चैलेंज करूँगी सोच रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक साड़ी का चैलेंज करूँगी जो कि 24 आवर में ये अभी पहनी हूँ, आप देख सकते हो, ये 24 आवर तक मैं पहनूंगी और एक साल के बेबी के साथ ये चैलेंज करूँगी। मैं इतना साड़ी पहनती नहीं हूँ और बेबी के साथ तो बिल्कुल भी पहनती नहीं हूँ। कभी कभार ऐसे फेस्टिवल होता है तो शायद मैं 10-15 मिनट के लिए साड़ी पहनने के बाद वो इसको निकाल देती हूँ, लेकिन मैं आज चैलेंज करूँगी। अभी हुआ है 10:15, आप देख सकते हो वॉच, तो 10:15 हुआ है, तो मैं 24 आवर तक ये पहन कैसे ही रहूँगी आपको ये पूरा वीडियो में ब्लॉग में ऐसे ही दिखूँगी मैं। तो कल 10:15 तक ऐसे ही चैलेंज कंप्लीट करूँगी और चलिए देखते हैं कितना टाइम तक कैसे मैं कैरी कर पाती हूँ। तो आज शॉपिंग भी जाऊँगी बाहर, तो ये पहन के जाऊँगी। और बेबी का छोटा सा बेबी है मेरा, उस बहुत छोटा है, उसका भी पूरा होल डे का रूटीन भी ये साड़ी में मैं करूँगी। तो चलिए आप एंजॉय करो मेरे वीडियोस, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू, बहुत टेस्टी। ये साड़ी मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, आप देख सकते हो, ये हेवी है थोड़ा सा, तो मैं पहन चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये ना थोड़ा सा हेवी है, हल्का भी नहीं है, मेरे पास हल्का साड़ी नहीं था इसलिए मैं ये ही पहन ली हूँ। तो मैं अभी से डर गई हूँ मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे 24 आवर तक ये साड़ी पहन के रहना है और मेरा एक छोटा सा बेबी है जो कि 12 मंथ का है, तो उसका पूरा होल काम करना है और घर का सब काम करना है। तो चलिए देखते हैं मैं कितना क्या कर पाती, मुझे तो अभी से डर लग रहा है मैं क्या करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बेडशीट ठीक करने के लिए भी जाऊंगी बेडरूम, तो चलिए। तो आप देख सकते हो कितना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि उसका जो पल्लू नीचे आ रहा है और कुछ भी, अभी तो इतना बस मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे अभी मेरा बेबी का काम स्टार्ट हो जाएगा, तो जब उसको खिलाना पिलाना नहलाना सब स्टार्ट होगा ना, और भी ज़्यादा मैं मुझे जैसे प्रॉब्लम होगा, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँगी। लेकिन अभी आप देख सकते हो मैं उसका ब्लाउज भी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि वो ना इतना टाइट हो गया है, मैं थोड़ा सा हेल्दी हो गई हूँ। मेरा हालत तो आप देख सकते हो कितना भयानक है, और इसको अगर ऐसे पिन भी कर दूंगी ना तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, इधर टाइट होगा फिर इधर, अगर ऐसे पिन करते हो तो करने के टाइम में क्या क्या, बहुत टफ है यार, मम्मी लोग कैसे कर पाते। मैं तो मेरा शादी हो गया फिर भी मुझे साड़ी पहनना
नहीं कर पाती हूँ मैं, मुझे बहुत लोग बोलते हैं साड़ी पहनो, पर नहीं, ऐसे ही घर में खड़े होके कुछ करना है, ऐसे पार्टी हो रहा होगा तो कहीं पे, तो ऐसे ही सिंपल खड़ा होना है तो पहन के जाओ, ऐसे चलना फिरना ये काम करना वो करना मेरे से नहीं होगा, लेकिन आज करूंगी आप सबके लिए, तो चलिए और भी काम करते हैं। इसको फिर नहाने के लिए ले रही हूँ और मैं अभी से थक गई हूँ, सच में मैं थक गई हूँ, पता नहीं मैं ये चैलेंज कर पाऊंगी या नहीं, अगर कर लेती हूँ तो वीडियो में कल डालूंगी, लेकिन भी 24 आवर का है, अगर नहीं कर पाई तो मैं नहीं डालूंगी। हे भगवान मैं थक गई हूँ, पता नहीं इतना थक, और इसको संभालो या बेबी को संभालो इसलिए ज्यादा थकान होता है, तो चलो उसको नहलाती हूँ। बेबी नहा के आ गया है, अभी मैं उसको मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, और मॉइस्चराइजर लगाने के टाइम में ना बेबी बहुत परेशान करता है, और डायपर पहनने के टाइम में भी, तो और साड़ी के साथ तो आप सोच सकते हो कितना भयानक ये सब होता है, लेकिन पता नहीं बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे से पता नहीं होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर साड़ी नहीं पहनती हूँ, और मैं आज कोशिश करूँगी मैं 24 आवर तक पहनने के लिए। अरे सबको हेलो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो, ये तो कैमरे को देखेगा भी नहीं, मैं बोलूंगी जब भी देखने के लिए, हे भगवान मैं गिर जाती अभी। तो बेबी को भी खिला रही हूँ, और खिलाने के टाइम में ना वो बहुत जो उसका फेस को इधर उधर करने लगता है, तो उसका आधा मेरा साड़ी में ही गिर गया। तो अभी मैं बेबी को सुलाने के लिए ले आई हूँ, और वो मेरे ऊपर ऐसे ही सोता है जैसे कि सर लगा के यहाँ पे, और मैं ऐसे रॉकर में उसको हिला के सुलाती हूँ, लेकिन अभी साड़ी में छोटा छोटा चुमकी लगा हुआ है, मैं उसके फेस में स्क्रैच हो जाएगा, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा पतला सॉफ्ट टॉवल डाली हूँ, और ये हाय नींद आ गया, चलो सो जाएगा ऐसे हिलते हुए। बाबा अभी बनाऊंगी परवल की सब्जी, और परवल बहुत दिन हो गया है फ्रीज में था, और ये शायद पक जाएगा, उससे पहले मैं उसको बना लूंगी, आज ही बना लूंगी, तो अभी बनाऊंगी परवल की सब्जी और रात के लिए रोटी, तो चलिए मैं काटना स्टार्ट करती हूँ, और मुझे तो आज दिन भर मम्मी का याद ही आएगा, पता नहीं क्यों मैं बार बार बोल लूंगी मम्मी का यार, क्योंकि सच में बहुत डिफिकल्ट होता है यार अभी साड़ी पहन के काम करना, जिसके भी घर में जैसे ससुराल में होता है ना लोग शादी के बाद, बहुत जन के ससुराल में साड़ी ही अलाउ करते हैं, जैसे कि मेरे ससुराल में एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे वो लोग साड़ी ही अलाउ करते हैं और कुछ नहीं, बाकी घर से बाहर जाओ कहीं भी जाओ तो कुछ भी पहन सकते हो, कुछ रोक ठोक नहीं है, कुछ मना नहीं करते, लेकिन ससुराल में साड़ी पहनना जरूरी है, तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं ससुराल में कुछ काम करती जैसे साड़ी पहन के अगर कर रही होती तो क्या होता मेरा, हे भगवान, और बहुत डिफिकल्ट है बहुत, तो चलो। तो अभी मैं बनाऊंगी परवल की सब्जी, तो परवल को काट रही हूँ और उसको पूरा डीप फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ना परवल को डीप फ्राई नहीं करती हूँ, ऐसे ही सैलो फ्राई करके सब्जी बनाती हूँ, तो आज मैं सोची हूँ पनीर परवल और गोभी ऐसे सब डाल के मैं अच्छा वाला जैसे ग्रेवी होता है ना होटल में उस टाइप का कुछ बनाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा सा डीप फ्राई कर रही हूँ, और पनीर को भी कर दी हूँ, अभी थोड़ा सा आ गई हूँ मिरर के सामने देख रही हूँ मेरा हालत,
अभी 2 बज गया है और अभी तक मैं पहनी हूँ, और बेबी खाने में इतना परेशान किया ना मुझे, पूरा दिमाग खराब कर दिया। तो उसको अभी खिलाई, फिर अभी सो के उठा तो उसको फिर खिचड़ी खिलाई। और आज हस्बैंड ऑफिस गए थे तो जाने के टाइम में मैं साड़ी पहनी थी मॉर्निंग में, वो जल्दी आ गए हैं ऑफिस से, बोले कि आज साड़ी डे कुछ, ये साड़ी पहनी है। उनको नहीं पता था मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो ये साड़ी क्यों पहनी आके पूछ रहे हैं। अब मुझे वो बोल रहे हैं कि मुझे लगा कुछ पूजा वगैरह है, तो वो आगे ऑफिस से बैठे तो मुझे, मैं कुछ डिसाइड नहीं की थी मॉर्निंग में मैं साड़ी का चैलेंज करूंगी या नहीं, लेकिन फाइनली मुझे लगा नहीं चलो कर लेती हूँ, ऑलरेडी हो गया है। मैं सोची नहीं बीच में बंद कर दूंगी, नहीं करूँगी, नहीं हो पाएगा मेरे से, लेकिन फिर इतना टाइम तो हो गया है, 2 बज गया है, तो मैं अभी अभी तक पहन के बैठी हूँ। उसको खिलाई खिचड़ी और वो भी आ गए हैं ऑफिस से। कुछ कहना चाहते हो? आपकी बीवी साड़ी पहनी है आज दिन भर, मेरे सासू माँ आज तो खुश हो जाएगी देख के, साड़ी पहनी है मेरी बहू, एक दिन पूरा फुल डे पहनी है। हेलो, मैं साड़ी क्यों पहनी थी, आप क्या सोचे थे मैं क्यों पहनी थी? मैं सोचा कि कुछ खाना फाना बन रहा है, अच्छा पूजा जल्दी आ गया ऑफिस से खाने के लिए। देखो खाना बन रहा है, अच्छा ये अंधेरा बोल रहे हैं, अच्छा खाना बना होगा, वो खाना खाने के लिए आए, मुझे लगा मुझे मैं साड़ी पहनी थी इसलिए आ गए, आके बोल रहे हैं साड़ी आज पहनी हो, आज पूजा वगैरह कुछ है। मैं बोली कुछ भी नहीं है, तो खाना खाने के लिए 2 बजे ऑफिस से आ गए हैं आज, लेकिन मैं कुछ बनाई भी नहीं हूँ अभी तक, तो वो ऑफिस से खा के आए हैं, मजा कर रहे थे। तो और क्या बोलना है, आज खुश हो मैं साड़ी पहनी हूँ पूरा दिन भर, खुश हो आप? क्यों साड़ी पहनने से क्या लगता है आपको? तो आप भी एक दिन पूरा लुंगी पहन के वीडियो बनाना, सुबह से लेकर रात तक लुंगी डांस हो ना। मुंह बंद करके आंसर देते हैं देखो। और आज मैं साड़ी पहनूंगी, और हम लोग का कुछ लाना है वेजिटेबल, तो हम शॉपिंग करने जाएंगे और साड़ी में जाऊंगी। अमेरिका में मैं साड़ी में शॉपिंग करने वेजिटेबल वगैरह जाऊंगी और घूमूंगी अंदर में, लोगों का एक्सप्रेशन देखना है मुझे कौन क्या, यहाँ इतना देखते नहीं है फिर भी ना, तो लेकिन साड़ी अगर कोई भी अच्छे से पहनते हैं तो वो देखते हैं प्रीटी, यू आर लुकिंग प्रीटी ऐसे बोलते हैं, लेकिन मज़ा आता है। तो चलिए, और आपको कुछ खाना है अभी? मुंह तो खोलो, मुंह खोलो, नहीं ऐसे बोलो, नहीं बोलोगे? लो आपके लिए ऑरेंज लाइम, खा लो। एक महीने पुराना हो गया, पुराना 1 महीना हो गया, 5 मंथ हो गया से ये खाना है पियर्स। ये चैलेंज होगा एक दिन, कौन ज्यादा फ्रूट खाएगा? फ्रूट्स 24 आवर्स। फ्रूट्स चैलेंज भी लेके आऊंगी, फ्रूट्स पर 24 आवर। आपको क्या क्या चैलेंज देखना है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस टाइप का चैलेंज लेके आऊंगी। मिच्ची मिच्ची क्या कांदो जी झूठ में रो रहा है, उसको ना किचन आना है, किचन का यहाँ पे मैं लगा दी हूँ तो वो नहीं आ पा रहा है इसलिए उसका रोना। उड़ान कैमरा पड़ ला बना पूरा बुली पड़ी। तो मैं बोल रही थी साड़ी पहन रहा है इतना डिफिकल्ट, जो पहनते हैं उनको तो पता नहीं चल रहा है, जो नहीं पहनते हैं, और मैं तो आपको पता होगा मेरा सब वीडियो में देख के आपको पता चल गया होगा, मैं हर टाइम ऐसे ड्रेस वगैरह पहनती हूँ, ये साड़ी पहन के 5 मिनट आधा घंटा हो गया तो ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पहन पाती हूँ। अभी बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे, मैं ना थोड़ा सा सो जाती हूँ, हस्बैंड बेबी को उस घर में उस साइड में रखे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सो जाऊंगी। चलो
बाय। हेलो फ्रेंड्स, और मैं सोची थी आज पूरा होल डे साड़ी पहन के चैलेंज करूंगी, तो पूरा होल डे साड़ी पहन के मेरा डेली रूटीन करूंगी, तो नहीं हो पाया। अभी मैं चेंज कर लूंगी क्योंकि बेबी इतना रो रहा है, तो साड़ी पहन के मेरा ना कमर का पेन आ गया। उसको उठा के फिर साड़ी उठाओ और उसको उठाओ साड़ी उठाओ, और बहुत मुश्किल है। मुझे पता नहीं मम्मी लोग कैसे करते हैं, मेरा नहीं हुआ, फेल हो गई मैं। पूरा होल डे साड़ी पहन के काम करना नहीं हो पाया मेरे से, तो माफ़ कर देना। और यहाँ से मैं मेरा पूरा डेली ड्रेस में आ जाऊँगी। और नहीं, साड़ी बहुत डिफ़िकल्ट है यार, मेरा साड़ी चैलेंज फेल हो गया, तो छोड़ो कुछ नहीं, इतना टाइम तक पहन के रह पाई हूँ उतना काफ़ी है, तो अभी जा रही हूँ चेंज करने। और आप कुछ बोलोगे? आप तो खुश होके ऑफिस से आ गए थे। मैं नहीं कर पाई सच में, बहुत डिफिकल्ट है। पता नहीं मम्मी लोग बड़े जैसे गांव में सब बच्चों के साथ करते हैं, बहुत ही बड़ा काम का चीज़ है। तो चलो रहती हूँ, फिर साड़ी चेंज कर लेती हूँ। तो फाइनली मैं साड़ी चेंज कर ली और जा रही हूँ अभी मार्केट वेजिटेबल लाने। और अभी बहुत ही हल्का लग रहा है और अच्छा लग रहा है। मैं मेरे से नहीं हो पाया तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चे के साथ ये साड़ी पहनो, उसको संभालो, इसका काम करो, वो काम करो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, तो मैं तो हार गई ये चैलेंज। और हम लोग का डिनर भी हो गया, तो डिनर में ऐसे ही पनीर का सब्जी बनाई थी और भिंडी मसाला था थोड़ा सा, तो अचार और रोटी, तो ये था हमारा डिनर। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।